दसवीं बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे ध्यान दें, वरना आगे हो सकती है परेशानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जो बच्चे नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल दसवीं में जाने वाले हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। नौवीं में पढ़ रहे बच्चे साल 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे। 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले बच्चे अभी ही अपने दसवीं के क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। हालांकि इस आवेदन के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 18 अगस्त है। आपको बता दें कि पहले मैट्रिक की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 13 अगस्त थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 21 अगस्त कर दिया है। जिन छात्रों ने 13 अगस्त तक अपनी दसवीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आप 21 अगस्त तक कर सकते हैं। हालांकि आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 18 अगस्त ही है, तो परीक्षार्थी इस बात को ध्यान में रखें। यदि आप भी नौवीं के छात्र हैं और अगले साल दसवीं में प्रवेश कर मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो दसवीं के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके स्कूल डेटा से आपके द्वारा दी गई जानकारी का मिलान किया जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन या किसी तरह के आवेदन के दौरान सटीक और सही जानकारी भरें, वरना आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। सभी बच्चों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिहार बोर्ड ने भी बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही है, वरना आप परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों को ₹450 शुल्क जमा करने होंगे। परीक्षा समिति ने जानकारी दी है कि कुछ स्कूलों की तरफ से जितने परीक्षार्थियों का शुल्क जमा हुआ है, उनके उतने परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बोर्ड ने अपनी तरफ से भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी बच्चे का शुल्क जमा है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो उसका आवेदन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड की तरफ से दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है, तो जिन भी अभ्यर्थियों ने आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। डमी रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, माता पिता का नाम, जेंडर, विषय और जन्मतिथि ध्यान से देख लें। यदि इसमें किसी भी तरह की कोई गलती है तो आप इसमें सुधार कर लें, नहीं तो आगे परेशानी हो सकती है। अभ्यर्थी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार के लिए अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।